हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अपने टायर के ऊपर, कि टायर की जो हम लाइफ है वो किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, कैसे टायर की लाइफ और टायर को मेंटेन कर सकते हैं हम। तो भाई पहला टॉपिक जो है हमारा, मतलब पहला जो पॉइंट है वो है हमारा हाई स्पीडिंग। अगर आप अपनी बाइक को हाई स्पीड पर ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे, मतलब ज़्यादातर अपनी बाइक को तेज चलाओगे, तो भाई आपकी जो टायर की लाइफ है वो जल्दी जो है ख़त्म होगी। ठीक है, अगर आप अपनी बाइक को हमेशा बाइक तेज चला रहे हो 100 110 100 110, उसमें क्या होगा, टायर हीट होता है। कभी भी आप बाइक चलाना और 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चलाकर आप टायर पे हाथ लगाना खड़ी करने के बाद, आपको टायर के अंदर अलग सी एक हीटिंग महसूस होगी। मतलब कि टायर आपका जो है थोड़ी सी गर्माहट फेंकेगा होगा और गर्म हो गया होगा, क्योंकि रबड़ जो होती है वो कहीं ना कहीं चलते चलते हीट होने लगती है। तो इस वजह से अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो, ज़्यादातर ज़्यादा स्पीड में ही रखते हो, ज़्यादातर स्पीड में आप अपनी बाइक को राइड करते हो, तो भाई आपकी जो टायर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगर उसकी लाइफ बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड कम करके चलानी है। मतलब आप चलाओ इकोनॉमी में, मतलब 50-60 इतना चलाओगे तो आपकी टायर की लाइफ जो है वो मतलब कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो मैं नोट डाउन करा हुआ है वो है हवा। मतलब टायर का जो प्रेशर है गाइस, फ्रंट और रियर दोनों का एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब फ्रंट वाले का 25 और पीछे वाले का 30 ये रहना चाहिए। ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो भी टायर घिसता जल्दी, कम कर दोगे तो भी टायर घिसता जल्दी। तो बेटर है कि आप हर 10 से 15 दिन में आप अपने किसी भी नियरेस्ट जो अपने एयर पंप लगा रखे होते हैं, स्टेशन होते हैं जो, वह जाते तो पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जाओ चेक कराओ कितना प्रेशर है, और अगर सही है तो ठीक है, और नहीं तो आप प्रेशर को टॉप अप करा लो। ठीक है, तो टायर की जो है लाइफ बनी रहेगी। ठीक है, और बैलेंस भी चलेगा और माइलेज भी मिलेगी। तीसरा पॉइंट है हमारा टायर का बैलेंसिंग। टायर की बैलेंसिंग क्या होती है, मतलब कि देखो कार में तो होता है कि बैलेंसिंग आउट हो जाती है तो भाई गाड़ी एक तरफ भागती है, बट बाइकों के अंदर मोस्टली क्या देखा जाता है, टायर की जो लाइन होती है वो अगर तरीके से ना बैठाई गई हो तो टायर जो है ना हमारा ऐसे चलता है हल्का सा ऊपर नीचे, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अनइवन हो जाता है मामला। मतलब कि हैंडल भी शेक करता है और गाड़ी जाता है पीछे से लहर सी रही है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, टायर अलॉय व्हील हो या रिम हो उसके कोने में लाइनिंग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेकिन अब फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये टायर के ऊपर वीडियो है, तो आप लाइन चेक कर लें प्रॉपर लाइन है या नहीं है, दबी भी तो नहीं है। अगर दबी भी है तो नियर बाय किसी भी पंप वाले पे जाकर उससे कहना है हवा निकाल के पूरी इसकी लाइन सेट कर बैठा दे, वो बैठा देगा तो उससे का टायर तो वहाँ सीधे चलेगा और टायर घिसेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक टायर सीधा चल रहा है, सोचो ऐसे राउंड राउंड चलना चाहिए बिल्कुल सीधा, एक चल रहा है कि हल्का सा लहर मार के चल रहा है ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या होगा टायर उस जगह से टायर खाने लगेगा। मतलब कि जब रनिंग में होगी टायर से क्या होता है, जब ज़्यादा चलता है तो गर्म होता है, रबड़ जो होती है गर्म होगी जल्दी घिसती है, तो जब वो गर्म होगा टायर तो रबड़ जल्दी घिसेगी उसकी, तो वहाँ से तुम्हारा टायर जो है वो खाने लगेगा और कहीं ना कहीं टायर की लाइफ कम हो जाएगी और टायर बेकार हो जाएगा। उन केस में टायर फूल भी जाता है कई बार। ठीक है ना, तो आप जो है लाइनिंग दोनों टायर की चेक करा लें, अगर ख़राब है तो सही करा लें। ठीक है, और जी फोर्थ जो है ब्रेकिंग, वो तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाइयों ब्रेकिंग जो है हमारी, ब्रेकिंग आपको बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी। अगर हार्ड ब्रेकिंग करोगे एकदम से चीखे निकलवाओगे टायरों से तो ऑब्वियसली बात है आपके टायर जो जल्दी घिसेंगे। इमीडिएट ब्रेक मारोगे तो भी टायर घिसेंगे, इमरजेंसी में तो बंदा हर कोई ले लेता है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है बंदे जानबूझ के लाइट मारते हैं, चर्र अड़ती जा रही है, मतलब कि सामने गली आ रही है पास में, लेकिन वहां से गाड़ी खींचेंगे पहले एक्सीलेटर दबा के दे देंगे, उसके बाद जो होगा फिर वो घसीटती जाएगी शर्र, फिर कहेंगे देख रहा है भाई लाइट, पूरा टायर काला कर दिया, रोड जो है काला हो जाता है, निशाना लगते हैं, तो भाई उससे क्या होता है आपकी टायर की लाइफ खराब होती है, फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा टायर घिस जाता है, हर बार तो सेम उस जगह से घिसेगा नहीं, कभी कहीं से कभी कहीं से, तो इसलिए टायर की लाइफ खराब होती है। तो स्मूथ ब्रेकिंग करोगे तो टायर की लाइफ बनी रहेगी, अगर स्मूथ ब्रेकिंग नहीं करोगे तो भाई टायर बीच में से गंजा हो जाएगा साइडों से, उसमें मार्क दिखेंगे ज्यादातर, आपने देखा टायर बीच में जल्दी गंजा होता है और साइडों से उसकी जो ग्रिप होती है प्रॉपर जो ग्रुप होते हैं वो बने हुए दिखते हैं। ठीक है ना, तो बेटर है कि आप स्मूथ जो है ब्रेकिंग करो, ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग मत करो। हार्ड ब्रेकिंग करोगे, ज्यादातर हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो आपका टायर जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट है भाई वो है क्लीनिंग के ऊपर। क्लीनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टायर तुम्हें पता है यार उसके अंदर एक मॉइस्चर होता है, अगर वो सूख जाता है तो टायर हार्ड होने लगता है, हार्ड होने की वजह से क्या होता है वो चटने लगता है, चटने से क्या होता है गाड़ी का टायर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और अगर ब्लास्ट ना भी हो तो आपकी जो ब्रेकिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आने लगता है। इट मीन्स के जैसे आप चला रहे हो बाइक और एकदम से कोई सामने आ रहा है इमरजेंसी ब्रेक आप ले रहे हो, तो टायर जो हार्ड हो जाती है रबड़ हार्ड होकर क्या बन जाती है, प्लास्टिक वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप खुद देख लेना, प्लास्टिक की जो नकली चप्पलें या वो जूते आते हैं जिनकी सोल वैसी होती है वो चपड़ चपड़ करते हैं, उसमें ग्रिप नहीं होती और वो स्लिप हो जाते हैं, है ना, होता है ना। कभी आप ट्रैकिंग करने जाओगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि ट्रैकिंग में प्रॉपर रबड़ की सोल होनी चाहिए तभी आपकी पैर में ग्रिप अच्छी बनेगी जूतों में। ठीक है ना,
तो इसीलिए रबर अगर सॉफ्ट होगी तो ग्रिप अच्छी करेगी रोड पे, अगर नहीं करेगी प्लास्टिक होगी तो वो घसटती जाएगी। सेम एज इट इज अगर टायर आपका सूख जाता है तो वो वही काम करता है प्लास्टिक वाला, और वो गाड़ी घिसटती भी जाती है लेकिन रुकती नहीं है। तो इसलिए टायर क्लीनिंग आप हमेशा करो, मतलब कि जब भी आप बाइक वॉश करा रहे हो तो टायर को अच्छे से साफ करो, ठीक है, और उसके बाद उस बाइक में उस टायर को जो है अच्छे से पॉलिश करो। भाई पॉलिश करना कैसे होता है, अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो बता देना मुझे, क्योंकि दो फायदे होते हैं पॉलिश करने के टायर। एक तो लाइफ बनी रहती है, टायर का लुक इतना प्यारा आता है, और पूरी बाइक, कभी आप कहोगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा पॉलिश के ऊपर, कि अगर पूरी बाइक चमक रही हो और टायर आपके गंदे हो तो भाई साहब पूरी बाइक भद्दी लगेगी, भद्दी कबाड़। ये अगर नहीं यकीन तो बता देना, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दोगे तो बना दूंगा। और बाकी पिछली वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा, काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी प्यार दे रहे हो आप, थैंक यू सो मच, ऐसी प्यार बनाए रखना। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन ऑल योर्स, हमेशा की तरह बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये वीडियो। और अगर टायर की जो लुक की बात कर रहा हूँ बनाने की, तो भाई वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो बना दूंगा उसकी, कि भाई बिफोर और आफ्टर, कि टायर अब देखो कैसा लग रहा है और पहले कैसा था, ठीक है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ, छोटी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।